राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, ये सवाल बना हुआ है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर पब्लिक की अलग अलग राय सामने आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने उदयपुर की जनता के मन की बात जानी। मरुधरा में कौन करेगा राज, आप भी सुनिए जनता के दिल की आवाज। मैं इस समय हूं फतेह सागर लेक के पास, बॉम्बे बाजार। यहीं पर वो दुकानें हैं जहां खुद अशोक गहलोत आकर चाय पीते हैं, और जो चाय पिलाते हैं उनसे भी पूछ लेते हैं इस बार क्या जीतेंगे अशोक गहलोत। पक्का जीतेंगे। कितना भरोसा है? भरोसा। आवाज क्यों नहीं निकल रही है? जीतेंगे ना। जीतेंगे आप? क्या क्या लगता है अंकल, कौन जीतेगा इस बार? एग्जिट पोल कह रहा है 110 से ऊपर बीजेपी आ रही है, जो सही होगा वो जीतेगा। आप क्या कहेंगे, बीजेपी जीतेगी एग्जिट पोल? मेरे हिसाब से जो बंदा काम करता है वो आना चाहिए, लेकिन लोगों की मांग को देखते हुए बालकनाथ योगी को अब की बार मुख्यमंत्री दिया जाना चाहिए। पार्टी कौन सी जीतेगी? एग्जिट पोल सही है इसका मतलब 110 से ऊपर? एकदम बिल्कुल बढ़िया है, और 124 के आसपास मेरे हिसाब से बीजेपी को सीटें मिलेंगी। क्यों, मुद्दा क्या है? मुद्दा है महंगाई है, और जो भी इतने सारे लपड़े हुए समस्याएं हुई और कई भी कांड हुए उनमें मतलब सभी को मतलब संतुष्टि नहीं मिली है। इसके हिसाब से मेरे हिसाब से, और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से चर्चित सीट है तो वो शिव से है। बीजेपी ने सिर्फ एक ही गलती की, रविंदर सिंह भाटी जी को टिकट नहीं दिया। मेरे हिसाब से उनके जैसा नेता तो कोई भी नहीं है राजस्थान। अभी भी नाराजगी है, लेकिन जीत कह रहे हैं कि कौन जीतेगा? एग्जिट पोल कह रहा है 110 से ऊपर बीजेपी। मैडम कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर, हॉस्पिटल के लिए, चाहे गरीबों के लिए, चाहे स्ट्रीट वेंडर के लिए। उस हिसाब से जो भी पार्टी, मतलब पार्टी से कोई वो नहीं, मगर जो भी काम करे उनके लिए उनको आना। मुफ्त बहुत सारी चीज़ें बांटी गई हैं, उसका असर होगा क्या कहेंगे? अभी कांग्रेस ही जीतेगी, बाकी जोर तो उनका है बीजेपी का, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। जीतेगी कांग्रेस, इसका भरोसा था? एग्जिट पोल गलत साबित होंगे सारे। कांग्रेस वाले क्या अच्छा काम कर रहे हैं? कांग्रेस ही जीतेगी बिल्कुल। बीजेपी की कांग्रेस कौन जीतेगी? बात नहीं है, 3 तारीख को स्पष्ट पता चल जाएगा कौन जीतेगा, बहसबाजी से नहीं है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, 3 तारीख को एक तरफा ताल ठोके जीतेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ मैडम कि भली कोई भी जीते मगर इस उदयपुर को स्वच्छ और स्वस्थ विकास वो तो है, लेकिन एक तरफा बीजेपी भी जीतेंगे, रविंद्र सिंह जी भाटी का भी एक तरफा मोल रहेगा, देखना। आप क्या कहते हैं, कौन? एग्जिट पोल खराब हो सकता है, गलत हो सकता है, ये तो निर्णय पे पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने उदयपुर में बहुत से काम करे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे? गरीबों के लिए बहुत से काम करे हैं, बहुत काम करे हैं, हॉस्पिटल के लिए बताओ भैया, एक दो काम क्या किया बोलो, काम बोले आप क्या किया? बीजेपी ने क्या दिया है? कांग्रेस ने तो बहुत सी चीजें दी है, अशोक गहलोत जी ने तो बहुत सी चीजें दी है उदयपुर में, राशन दे दिया, मेडिकल दे दिया, मतलब गरीबों को, मतलब के जो विधवा है उनको मतलब मोबाइल दे दिया। और मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है चुनाव में? सबसे ज्यादा तो है महंगाई, और भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, तरह तरह के कांड हो रहे हैं, और इससे ये भी संतुष्ट नहीं है, इनको भी पता है कि कौन कौन से मुद्दे हो रहे हैं। आप बताइए क्या मुद्दा हावी है सबसे ज्यादा? कांग्रेस जीतेगी क्यों? कांग्रेस तो इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस ने बहुत से काम भी कराए, और आगे जाके और भी अच्छा काम करेगी वो, क्योंकि अभी दिख रहा है उदयपुर में एक साफ सफाई का है, नगर निगम जब से लगा है, जब से मतलब 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में बहुत सी चेंजिंग हो गई है, L&T का ले लो, बहुत से काम ले लो आप, बहुत से काम इन्होंने वो करा है। देखिए L&T, आप क्या कहेंगे भाई, कौन जीत रहा है फाइनली बताइए? वो तो 3 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीत रहा है। फाइनली तो बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ने जो काम किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया है। आप चारों तरफ के हाईवे नेटवर्क देख लीजिए, 20 साल पहले 15 साल में जो काम हुआ है वो भविष्य में कभी नहीं हुआ। आयर नदी हमारे उदयपुर की इतनी गंदी थी, आज उसके अंदर लोग आप पैदल चल सकते हैं, इतना साफ काम हुआ, करोड़ों रुपए काम सिर्फ बीजेपी के राज में हुए हैं। बीजेपी ने बहुत काम किया। देखिए बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला फिलहाल फतेह सागर लेक से। एक बात तो साफ है कि जीते कोई भी, उत्साह पूरा है, और एग्जिट पोल पर मोहर जनता की। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उदयपुर राजस्थान, ABP न्यूज। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।